जय श्री राम करने से मेरा पेट भरेगा क्या? जय श्री, सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी पर आप बात कीजिए। 5 तारीख को नीट का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, 24 लाख बच्चा का भविष्य और पेपर लीक हुआ, ना तो उस पर मोदी जी बोलते हैं, ना तो लालू जी बोलते हैं, ना तो नीतीश जी बोलते हैं। तेजस्वी तो बोला 400 के नारा था, 400 पार का, वो पहला चरण चुनाव के बाद सब समाप्त हो गया। कोई बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा। पढ़ने वाला कहे जय श्री राम का नारा लगाएगा? क्यों लगाएगा बताइए ना हमको। कह रहे हैं कि क्यों लगाएगा, क्यों? भगवान आप बुलाने से आते हैं, आपके मन में होना चाहिए भगवान। भगवान हर इंसान के मन में होते हैं। अब जहाँ द्रौपदी को जब चीरहरण हुआ था तो जय श्री राम चिल्लाई थी, मन में भगवान का नाम ली थी, उनके सामने भगवान आ गए थे। जय श्री राम के नाम पे सत्ता में आई है, गाँव जो काटता है उससे 250 करोड़ रुपया चंदा भी लेती है, ये कैसा जय श्री राम है भाई? जय श्री राम बोलिए। और जो गौ को काटता है जिस कंपनी से, आप 250 करोड़ चंदा ले लीजिए और फिर जय श्री राम का नारा बुलंद कीजिए। बहुत अच्छा जय श्री राम है। यहाँ 50 लाख रुपया पकड़ा गया, ईडी सीबीआई को खबर है, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ, आपका ईडी सीबीआई कहाँ गया? उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज 24 लाख बेरोजगार युवा कहाँ से क्या करेगा? आप कहाँ से मेहनत करके बाप माए पैसा जमा करके कोचिंग में इतना फीस जमा किया और एग्जाम देने के समय में 1 घंटा पहले पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पर आप लोग जो युवा के साथ अभी इलेक्शन है, आप हिना साहब मोदी जी का बात करते हैं, लेकिन 24 लाख बच्चा बेरोजगार, 5 तारीख को नीट का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ, 24 लाख बच्चा का भविष्य और पेपर लीक हुआ, ना तो उस पर मोदी जी बोलते हैं, ना तो लालू जी बोलते हैं, ना तो नीतीश जी बोलते हैं। तेजस्वी तो बोला है। क्या बोला? तेजस्वी बोला है कि हमारे समय में कहां लीक हुआ था, इनके समय में लीक हो रहा है। आज मुद्दा आप जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद से कहीं कुछ नहीं होगा। पकड़ाया है आदमी, लेकिन आज वह एग्जाम देखे, एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं हुआ? तुरंत कार्रवाई। आपके यहाँ 50 लाख रुपया पकड़ा गया, ईडी सीबीआई को खबर है, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ, आपका ईडी सीबीआई कहाँ गया? उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज 24 लाख बेरोजगार युवा कहाँ से क्या करेगा? आप कहाँ से मेहनत करके बाप माए पैसा जमा करके कोचिंग में इतना फीस जमा किया और एग्जाम देने के समय में 1 घंटा पहले पेपर लीक हो गया? किनका राज था? अभी तो यहाँ के युवा देख रहे जय श्री राम और मोदी आया के। जय श्री राम करने से मेरा पेट भरेगा क्या? जय श्री, सबसे बड़ा है कि बेरोजगारी पर आप बात कीजिए। पढ़ने वाला कहे जय श्री राम का नारा लगाएगा? क्यों लगाएगा बताइए ना हमको। कह रहे हैं कि क्यों लगाएगा, क्यों? भगवान आप बुलाने से आते हैं, आपके मन में होना चाहिए भगवान। भगवान हर इंसान के मन में होते हैं। अब जहाँ द्रौपदी को जब चीरहरण हुआ था तो जय श्री राम चिल्लाई थी, मन में भगवान का नाम ली थी, उनके सामने भगवान आ गए थे, तो फिर जय श्री राम चिल्लाने से क्या फायदा? जय श्री राम कुछ करने वाले नहीं है, आपको खुद मेहनत करना होगा। वास्तव में आप भगवान को मांगते हैं तो आप अपने मन में उनको बसाइए ना, चिल्लाने से क्या होगा? जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्तासीन पार्टी है, तो जय श्री राम के नारे के साथ और जय श्री राम को लेकर कहीं तो सत्ता में आई है, वोट लेना चाह रही है। बिल्कुल, जय श्री राम के नाम पे सत्ता में आई है, गांव जो काटता है उससे 250 करोड़ रुपया चंदा भी लेती है, ये कैसा जय श्री राम है भाई? जय श्री राम बोलिए। और जो गौ को काटता है जिस कंपनी से, आप 250 करोड़ चंदा ले लीजिए और फिर जय श्री राम का नारा बुलंद कीजिए। बहुत अच्छा जय श्री राम है, हर कोई बोलना चाहेगा जय श्री राम की बात होना चाहिए। भारत माता की जय, काम चल जाएगा भारत माता की जय बोलने से? गरीबों की जय होना चाहिए, करप्शन है यहाँ, मजदूरों की जय होना चाहिए, जो जय जवान जय किसान होना चाहिए, गरीबों की जय होना चाहिए। मंच से कोई नेता बोलता है कि गरीबों की जय होना चाहिए? हाँ, गरीबों की जय होना चाहिए। आज जब थोड़ा सा चुनाव में बोलता भी है गरीबों का बात, लेकिन चुनाव के बाद सब अमीर का काम करना शुरू कर देते। हाँ, क्या कह रहे? तो 2029 तक मिलेगा? हाँ, फिर मिलेगा। हम बोलते हैं अमित शाह जी को कि आप आ जाइए हमारे पास, हम उनको 1 मन राशन देंगे। क्या देंगे? 1 मन, 1 मन राशन। हाँ, महीने का, वो अपना जीवन यापन करके हमको दिखा दें, 1 मन देंगे। हम गृह मंत्री है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, हम गृह मंत्री हुआ, बुलाइए, हम उनको देंगे 1 महीने का राशन और वो अपना जीवन यापन करके बता दें। 5 किलो राशन, आप खुद बताइए ईमानदारी से, 5 किलो राशन कोई व्यक्ति 1 महीना गुजार सकता है? अच्छा, राशन गुजार सकता है? अगर कोई कहता है कि गुजार ले तो हम उसको 1 महीना देते हैं। तो अपनी वो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 5 किलो राशन दे करके। वो हमको समझना है ना कि अच्छा है कि बुरा है। जो अब हम तय करेंगे ना कि 5 किलो में हम पूरा महीना गुजार लेंगे, संभव है? कोई बता दे कि अगर जो 5 किलो में राशन है तो हम उसको 1 महीना 1 मन देंगे, हमारे पास आ जाए, हमारे पास वो आ जाए, उसको हम 1 मन देंगे। गृह मंत्री मोदी दोनों को हम 1 मन देंगे, हमारे यहाँ आ जाए।
गृह मंत्री मोदी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को ये युवक कह रहे हैं कि एक मन चावल देंगे। हाँ, वो हमारे यहाँ करके रहे और जीवन यापन करके बताएं। 1.5 लाख का, अरे महाराज जो चाय बेचकर जीवन यापन कर लिए। बिल्कुल, जो चाय बेचेगा ना वो 1.5 लाख का माउंट ब्लैक नहीं रखेगा। मोदी जी आ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, फिर 12 रुपया का पेन रखे, चाय बेचने वाला व्यक्ति 1.5 करोड़ का पेन रखेगा माउंट ब्लैक, 1.5 करोड़ का चश्मा पहनेगा। कहाँ से भाई, कहाँ से पढ़ के आए हैं, कहाँ, हर जगह जाते हैं तो हम बोलते हैं हम मना यहाँ से पुराना रिश्ता है, कभी भीख मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब जहाँ जाते हैं कभी एनसीसी का कैडेट हो जाते हैं, जहाँ हाँ, अब कहाँ कहाँ से आए हैं भाई, बंगाल में बोले कि अगले जन्म में जन्म लेना। हाँ, बंगाल से मेरा पुराना रिश्ता है, अगले जन्म में हम बंगाल में ही जन्म लेना चाहते हैं। जब हाल देखिए, मोदी जी रोड शो करने के लिए पटना आ रहे हैं, सबसे पहले मोदी जी और नीतीश जी से यही आग्रह रहेगा, इलेक्शन तो है ही, आप जय श्री राम, अल्लाह अकबर सबका नारा लगाइए, लेकिन जो प्रेजेंट में 24 लाख बच्चा एग्जाम दिया, जो निस्वार्थ घर से मकई का सत्तू खा के पढ़ लिख के अपना सारा जमीन जगह बेच के कोचिंग वाले को फीस दिया, आज उस बच्चे का 5 तारीख को एग्जाम था और 1 घंटा पहले पेपर लीक हो जाता है, और उस 24 लाख बच्चे के बारे में कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है। नेता को पता चलता है, छापा ईडी सीबीआई तेजस्वी जी के घर पर भेज देते हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं, 10 तारीख होने चला आज, उनको यहाँ तक पता नहीं है कि कम से कम परीक्षा, बच्चा का भविष्य, युवा का भविष्य, सब नेता युवा का 400 का पार का नारा कैसे दिया जा रहा है? 400 पार, वो अपना मुंह से देखिए, एक पहला चरण के बाद भी बंद हो गया, पहला चरण वोट के बाद बंद हो गया, 400 पार के नारा बंद हो गया, बोल पहला चरण के बाद कोई नेता बोल रहा है, कोई नेता बोल रहा है बीजेपी के, कोई नेता बोल रहा है 400 पार, अरे पहला चरण के बाद कोई नहीं बोल रहा, युवा के बारे में सोचे ना, चार सौ के नारा था 400 पार का, वो पहला चरण चुनाव के बाद सब समाप्त हो गया, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा। 2014 में मोदी जी क्या कह करके आए थे, 2014 में क्या कह करके आए थे, ये नौकरी अरे दूर करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या ये सब चीजें पूरी हो गई उनके अनुसार? सब कुछ हो गया, हो गया है, तो ये अब हमको सोचना है कि वास्तव में हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो कहाँ हुआ बताएं। हाँ हुआ, देखिए कहाँ हुआ बताइए, आप देखिए गांव में हुआ, हाँ बताएं, हुआ 10 गो 20 गो के गांव में हुआ, गांव में जाकर पूछिए ये मोदी जी क्या किया है, चुप है, गांव में जाकर पूछिए, गरीब आदमी से जाकर पूछिए क्या किया मोदी जी, चले अरे ये लोग विदेश में, ये लोग विदेश में थोड़ी रहते हैं, यहाँ का बोलना के बता रहा है, घर में गरीब से जाकर पूछे की मोदी क्या किया हमको, 5 किलो इसमें तो दिन रात, इसमें तो 10 को पूछे खाली खाली आता है, खाली 5 किलो राशन दिया, वही गरीब के बच्चा को नौकरी देता तो उसका जिंदगी भर 100 में नौकरी से हो जाता, 5 किलो नौकरी से क्या होगा, 5 किलो राशन से क्या होगा, 5 किलो राशन से आराम नाल जाल, अगर नौकरी करता बच्चा तो समर्थेबल हो जाता, लेकिन नौकरी देना चाहिए था तो 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा कर रहा है लाइकन के आजकल, भारत के लिए शर्मनाक की बात है कि नहीं, 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ राशन के लिए खड़ा, ये कांग्रेस के राज में था, कांग्रेस के राज में खड़ा, ये एक मिनट, आप बच्चा में चड्डी नहीं पहनते तो इसका बात अभी मत कीजिए, बचपन में आप क्या नहीं करते तो मत कीजिए, अभी अभी के बारे में बात कीजिए, अभी के बारे में बात कीजिएगा, अभी के बारे में क्या था, अभी के बारे में देखिए, अभी के बारे में जितना गरीब के चाहिए था अधिकार उतना अधिकार मोदी जी दे दिए हैं, फिर देंगे, एक मिनट ये बोल रहे हैं तीन सिलेंडर मोदी जी कांग्रेस के समय से ही है, हम मानते हैं कि कांग्रेस गलत किया, हम भी इस चीज को मानते हैं, फिर आप काहे आए थे, आप भी वही काम कर रहे थे, फिर आप काहे लाए, अभी कह रहे हैं कि 400 सिलेंडर 1100 हो गया, गांव में चलिए देख ले, गांव में चलिए देख ले, मोदी जी जा रहे, अगर मेरा अनुभक्त बांट लेगा तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेगा, मोदी करेगा गुलाम बना कर रखेंगे, राहुल गांधी जी, ये मतलब
माइक छीन कर कभी शिक्षा नहीं देना चाहता है। आगे 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 अपना गुलाम दो पूछिएगा नहीं आगे क्लोरेशन है, घर में रोड है, घर में उतरता है रोड पर से, बिजली से कमी नहीं है, सिलेंडर से कमी नहीं है, लैंड कर रहे हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से घूम रहे हैं भैया, बात करते हैं ना ऐसा सुरक्षा का पूछे सुरक्षा देखिए आराम आराम से बात कीजिए तो बात करेंगे।